नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स, पोषण ट्रैकर ऐप में मैंने पिछले कई दिनों से बहुत सारी वीडियो बनाया हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो भी सेविकाएं हैं अपने मोबाइल में लॉगिन अकाउंट कैसे बनाएंगी या अपने मोबाइल से लॉगिन कैसे करना है उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। जिस सेविका का मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है वो अपना मोबाइल नंबर कैसे रजिस्टर करा सकती हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आप लोग का मोबाइल नंबर कौन सा रजिस्टर है वो भी यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपना एम पिन कैसे चेंज करेंगे, जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर इस चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी से रिलेटेड जैसे ही वीडियो बनाऊँ आप सब तक पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग अपना पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। अगर आप लोग को ये भाषा समझने में प्रॉब्लम हो रही है, देखेंगे कि भाषा चेंज करने का ऑप्शन दिया है, आप लोग वहाँ पर टच करके आप लोग अपना भाषा चेंज कर सकते हैं जिस भाषा में आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भाषा बदलने के बाद देख सकते हैं सारा कुछ हिंदी में आ चुका है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मोबाइल नंबर दर्ज करें। तो मोबाइल नंबर दर्ज करने पे आप लोग को, अगर आप लोग का मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना मोबाइल नंबर डालिए और एम पिन डाल के यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। और आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप लोग का मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही आप लोग यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आप लोग मोबाइल नंबर डाल लीजिए। इसमें मोबाइल नंबर वही डालना है जो आप लोग अपने महिला पर्यवेक्षिका दीदी को दी थी ऑफिस में, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर दर्ज कर लेते हैं। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पे एम पिन डालेंगे। सभी लोगों का एक ही एम पिन लागू किया गया है जो कि 4897 है। ये इसको डालने के बाद आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। मोबाइल नंबर लॉगिन नहीं हो पाता है तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है अकाउंट नहीं है रजिस्टर करें, तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप लोग अपने महिला पर्यवेक्षिका दीदी को ऑफिस में दी थी जमा करने के लिए। तो यहाँ पे वो मोबाइल नंबर डालेंगे और डालने के बाद रजिस्टर करेंगे तो आपका OTP जाएगा। अगर रजिस्टर रहेगा तो आपको यहाँ पर शो कर देगा कि आपका रजिस्टर है। तो चलिए यहाँ पर डाल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है यह मोबाइल नंबर पहले से ही पंजीकृत हो चुका है। अगर आपका मोबाइल नंबर पंजीकृत यानी कि रजिस्टर नहीं हुआ है तो आप लोग के यहाँ पे मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP डालने के बाद आप लोग का मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा। और आपका यहाँ पर रजिस्टर नहीं दिखा रहा है तो आप लोग के घर में जो भी एक दो मोबाइल है उनको भी यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं। अगर वो भी हो सकता है कि आप लोग नंबर दे दी होंगी, आप लोग को याद नहीं होगा, हो सकता है वो भी यहाँ पे काम कर जाए। तो यहाँ पे डाल के आप लोग को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पीछे जाना है। पीछे जाने के बाद अपना मोबाइल नंबर फिर से दर्ज कर लेना है। और फिर एम पिन दर्ज कर लेना है जो कि 4897 जो कि एक ही एम पिन अभी लागू किया गया है सभी के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका ID लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद पहले यहाँ पे जो मैंने बताया था कि टेस्ट यूजर करके दिखा रहा था, जो कि अब लॉगिन करने के बाद आपका नाम शो करेगा, तो समझिए कि आपका ID लॉगिन हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है जाएगा। शो हो जाने के बाद आप लोग इसमें अब अपना जो भी काम करना है वो काम कर सकती हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपना एम पिन कैसे चेंज करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ नीचे राइट साइड के कॉर्नर में नीचे देख सकते हैं 3 डॉट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीसेट एम पिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। रीसेट एम पिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एम पिन रीसेट करने के लिए मांगेगा। तो यहाँ पर आप लोग जो अभी का एम पिन डाले हैं उसी को यहाँ पे डाल देना है 4897। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो भी न्यू एम पिन बनाना चाहते हैं या नया एम पिन बनाना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से जो याद रहे उसको यहाँ पे दर्ज कर लेना है।
मैं 1, 2, 3, 4 डाल के आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ, वही फिर से दोबारा यहाँ पे कन्फर्म कर लेना है कि वही आपको पासवर्ड रखना है, यानी कि एम पिन रखना है। और रखने के बाद यहाँ पे एम पिन पुनः सेट करने पर क्लिक करेंगे तो आपका एम पिन रीसेट एम पिन हो जाएगा, सक्सेसफुली आपका एम पिन चेंज हो जाएगा। आप लोग फिर से यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर से जो नया एम पिन बनाए हैं उसको यहाँ पे डाल लेंगे और उसके बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो नया एम पिन से लॉगिन हो जाएगा। इसी तरह से आप जब चाहें उसको एम पिन से रीसेट कर सकते हैं और उसको फिर से नया एम पिन बना सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने आंगनबाड़ी ग्रुप में शेयर ज़रूर करें ताकि उन सभी को ये सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।